अस्सलामुअलैकुम। ये है मंडे मॉर्निंग और इंटरनेशनल लेबर डे की छुट्टी थी, बच्चों का मदरसा था तो वो मदरसे जा रहे थे और ये नमकीन पूरी चाय नाश्ता करके जा रहे थे। फिर दोपहर का खाना हमने 12 बजे खा के निकल गए थे क्योंकि बड़ी बेटी का जो है ना वो ईद का गिफ्ट बाकी है। बच्चों तीनों छोटों ने तो ले लिए लेकिन बड़ी को साइकिल नहीं चाहिए था, उसको कुछ पेंटिंग के सामान चाहिए थे, पेंटिंग का क्रेज आया हुआ है, तो बस हमने सोचा चलो उसको जो चाहिए उसको ही दिला देते हैं। सो यहाँ अपना ले रही है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो क्योंकि जाहिर सी बात है पेंटिंग का जो सामान ये इतना कॉस्टली तो नहीं होगा जितनी साइकिल थी, तो मैंने क्या किया है फिर जो उसके पैसे बचे हुए थे ना उसको दे दिया कि बेटा आपको आगे जो पेंटिंग का सामान चाहिए फिर आप इसमें से ले लेना। सो ये बराबरी करना, बच्चों में इंसाफ करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मोहब्बत पे तो इख्तियार नहीं होता है ना, कभी ऐसा होता है कि सबसे बड़ी जो औलाद होती है उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है, या कभी ऐसा होता है जो सबसे छोटी होती है उससे मोहब्बत होती है, या कोई अपने कैरेक्टर की वजह से ज़्यादा यानी आपको महबूब होता है। तो मोहब्बत पे तो बिल्कुल आपका इख्तियार नहीं होता, लेकिन हाँ इंसाफ पर आपको इख्तियार भी है और उस पर आपका सवाल भी होने वाला है कि अगर नाइंसाफी की गई है। औलाद तो हमारी रियाया है, जैसे किसे हाकिम से सवाल होगा अपनी रियाया के बारे में कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है, वैसे हमसे अपनी औलाद के बारे में सवाल होने वाला है। हम ये समझते हैं कि हमने अच्छा खिला दिया अच्छा घुमा लिया तो बस औलाद का हक अदा हो गया, नहीं ऐसे से नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ है यानी इमोशन के साथ आपने उनके कितना ख्याल रखा है उसके बारे में भी सवाल होने वाला है। जैसे माँ बाप की लड़ाई हो रही है ना तो उस बच्चे पे क्या असर हो रहा है ये बच्चा जानता है, ये आपको नहीं समझ, आप समझते हम लड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, पर वो बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ रहा होता है। यहाँ तक ये कहा जाता है कि जो अरब में सिस्टम था ना कि बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, तो ये हमको लगता है कि वही सिस्टम उनके साथ खत्म हो गया, आज तो हम बच्चों को नहीं दफन करते, लेकिन जब भी माँ बाप की लड़ाई होती है बच्चे जिंदा दफन हो रहे होते हैं। तो ये पूछा जाएगा, कुरान में आता है ना कि वह ईद अल मऊदत सुइलत, कि उनसे पूछा जाएगा भी अई इदम मिन कुतिलत, किस गुना की वजह से तुमको कत्ल कर दिया गया, तुमको जरगोर कर दिया गया, या फिर बच्चे में कोई कमी है यानी पढ़ने में या अच्छा नहीं है और उसको हम ताने तिशने कर रहे हैं। तो आप सोचे ना कि अगर घर में ही वो बच्चा है और उनको ताने तिशने कर करके किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़े गुनाह है जिसको हम गुनाह समझते नहीं है। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि एक टीनेज बच्चा है 11-12 साल का बच्चा है और उसकी माँ यानी उसको ताना देती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, आप समझ ले जैसे हम इंडियन माएँ होती है तब उस बच्चे को ख्याल आता है खुदकुशी करने का, तो अगर वो खुदकुशी कर लेता है तो उसका गुनाह किसको मिलेगा, उस बच्चे को मिलेगा या फिर उसकी माँ को मिलेगा? आप मुझको आंसर बताइएगा क्योंकि आंसर मुझको भी नहीं पता। माँ की मोहब्बत की तो कोई बात ही नहीं ना, उसकी मोहब्बत तो तोली जा ही नहीं सकती, तो मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ये सब इख्तियार करना ये सब काम करना ये भी इसके भी बहुत बड़े बड़े अफेक्ट पड़ते हैं बच्चे पर। सो अल्लाह सबको तौफीक दे, सबसे पहले मुझको तौफीक दे कि भाई हम अच्छे माँ बन सके, अपना जो रोल प्ले करने आए हैं हम अच्छा रोल प्ले करके दुनिया से जाए। बस फिर हम वहाँ से फारिग हो गए थे तो हम बच्चों को आज क्योंकि छुट्टी वाले दिन संडे नहीं जा पाए तो हम मंडे को थोड़ा गार्डन वगैरह लेकर आए, बच्चे यहाँ थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे हमारे घर के पास इन्हीं आसपास की बिल्डिंग में किधर हम रहते हैं।